अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल स्पेशल होने वाला है उन सभी दोस्तों के लिए जो लोग न्यू हेयर लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से एक महीना, डेढ़ महीना या दो महीना पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पुराना यूजर है, जो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं या एक बोतल इस्तेमाल कर चुके हैं, दूसरा बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल ही स्पेशल होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा जो है कि फिर से मैं टकला कर लिया हूँ, मैं जो है कि एक नंबर का मशीन लगा चुका हूँ दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले, दो दिन पहले दोस्तों, मैं जो है कि अपना 60 दिन का, दो महीना का इस न्यू हेयर लोशन का रिजल्ट क्या आया है वो जो कि मैं वीडियो में दिखाया था। इससे पहले दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं उसको जो है कि मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ हमारे दोस्तों को ये भी लग रहा होगा कि भाई मेरा जो कि रिजल्ट कुछ नहीं आया है, इसलिए मैं जो है कि फिर से टकला बन गया हूँ या फिर से जो है कि मैं बाल को छोटा कर लिया हूँ। दोस्तों जो अभी नया यूजर है, जो भी नया व्यूवर्स है हमारे, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि आज से दो महीना पहले जो है कि मेरा जो स्काल्प का कंडीशन था, ये जो बाल का कंडीशन था वो किस तरह था। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टार्टिंग का टाइम का था जब जो है कि मैं अपना बाल को बिल्कुल जीरो साइज का कर लिया था और मैं न्यू ईयर लोशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते, ये पिक्चर दोस्तों आप जो देख रहे हैं 29 सितंबर का है, वहाँ पे डेट भी लिखा होगा दोस्तों, और 29 सितंबर से लेकर के आज तक जो है इस वीडियो बनाने का डेट तक दोस्तों आपको पता होगा तकरीबन 50 दिन हो चुका है। दोस्तों इन 50 दिन पहले का ये पिक्चर देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों अभी का जो आज का ये लेटेस्ट पिक्चर है, एक नंबर साइज का ये बाल करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो है कि किस तरह का बाल नज़र आ रहा है। अगर आपको दोस्तों इन दोनों फ़ोटो में जो कि आपको जो कि इन फ़ोटो वगैरह में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है तो आपको जो कि समझ लीजिए कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अगर आपको फ़र्क कुछ पता नहीं चल रहा है तो समझिए कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा बोलने से जो है कि कुछ फ़र्क होने वाला नहीं, आप खुद देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक ये है कि दोस्तों मैंने ये एक नंबर का जो कि हेयर कट क्यों कर लिया है और इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग भी दो महीना तकरीबन हो चुका है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक नंबर का आप जो है कि हेयर कट कर लें, इनसे दोस्तों आपको तीन फ़ायदा होने वाला है। तीन फ़ायदा क्या होने वाला है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में भी बताने के लिए जा रहा हूँ। नंबर वन फ़ायदा दोस्तों, छोटा हेयर होने के बाद तकरीबन जो है कि हमारा डेढ़ महीना के बाद दोस्तों बेबी हेयर कुछ ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। एक डेढ़ महीना तक कुछ खास नहीं निकलता, उसके बाद ज़्यादा बेबी हेयर जो है कि निकलना शुरू होता, भले ही वो बेबी हेयर दोस्तों ग्रोथ ना हो, यानी कि स्लो ग्रोथ हो, मगर बहुत ज़्यादा बेबी हेयर निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि लास्ट का पिक्चर में आपने देखा दोस्तों कितना ज़्यादा इसमें बाल निकला हुआ है। और दोस्तों छोटा बाल रहने से, एक नंबर होने से क्या होगा कि हमें शैम्पू करने में बिल्कुल आसान होगा, हम जो है कि थोड़ा सा शैम्पू लेकर के आराम से इसको जो है कि शैम्पू कर लेंगे और जो कि कोई भी कपड़ा से आराम से इसको पोंछ लेंगे, उससे क्या साफ़ कर लेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों कि ज़्यादा स्काल्प पे लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, बड़ा बाल होने से ये प्रॉब्लम होता है, छोटा बाल में बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों हमें शैम्पू करने में बिल्कुल ही आसान होगा। दूसरा फ़ायदा क्या है दोस्तों, ये जो डर्मा रोलर है, ये डर्मा रोलर जो कि अगर बाल बड़ा हो जाता है, अगर बेबी हेयर दोस्तों वो क्या होता है कि पतला तो होता है मगर वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो दोस्तों इससे डर्मा रोलर से जो उसको कोई ख़ास असर नहीं होगा। छोटा बाल होने से ये डर्मा रोलर बिल्कुल आराम से चलेगा और बिल्कुल स्मूथली चलेगा, और दोस्तों इसका जो कि असरदार होगा ये डर्मा रोलर भी बहुत ही कारगर होगा, जिसका वजह से दोस्तों रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा अगर आपका जो है कि डर्मा रोलर स्मूथली अच्छा से चलाएंगे और जो कि बेबी हेयर वगैरह टूटेगा भी नहीं जो भी नया नया आ रहा है। और लास्ट फ़ायदा ये है दोस्तों कि न्यू हेयर लोशन जो है कि तकरीबन जो एक महीना अगर दो टाइम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक महीना चलता है दोस्तों, ये तकरीबन 10 दिन ज़्यादा चलेगा। ये खाली स्काल्प पे दोस्तों स्प्रे करने से क्या होगा कि कम न्यू हेयर लोशन का जो है कि खपत होगा, जिससे दोस्तों ये जो है कि हमें फ़ायदा देगा, क्योंकि अगर 10 दिन ज़्यादा चलेगा दोस्तों हमारा पैसा ही बचेगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा स्प्रे करने से ऐसा नहीं है कि एक महीना डेढ़ महीना में ही पूरा सारा जो कि बाल निकल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये लंबा टाइम थोड़ा लेता है, 2 से 3 महीना 4 महीना भी लग जाता है दोस्तों अच्छा खासा रिजल्ट आने के लिए। इसलिए दोस्तों इसको बचा के चलाना है, जितना कम चलाएँ, जितना कम खपत में हम जो कि इससे काम चला सके उतना ही बेहतर होगा।
दोस्तों जो लोग नया आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।